अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमजा और आज है हमारी इलस्ट्रेटर की सेकंड क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा इलस्ट्रेटर का इंटरफेस देखा था, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। तो उम्मीद है आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा वो पिछली वीडियो देख लें, या अगर और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स वगैरह में हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले फाइल न्यू क्रिएशन का मैंने आपको बता दिया था। तो फाइल क्रिएशन के बाद मैं सिंपल यहीं से कोई 519/20/1080 का एक उठा रहा हूँ पेज, ये मेरे पास ओपन हो गया। इसकी आपको वर्कस्पेसेस की भी समझ आ गई होगी। मैं यहाँ से एसेंशियल सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें बेसिक सा काम करना है, तो सारी टैब्स में इसमें मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप साइट पर देखें, यहाँ पर मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, इससे आपको ये होगा कि इसमें इलस्ट्रेटर में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ भी मैं यूज़ कर रहा होता हूँ और आप लोग भी करेंगे। उससे शॉर्टकट कीज़ से ये होता है कि आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और ईजी भी हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसमें शिफ्ट के साथ काफ़ी कमांड यूज़ कर रहा होता हूँ, ऑल्ट के साथ यूज़ कर रहा होता हूँ, कंट्रोल के साथ कर रहा होता हूँ। तो आपको यहाँ पर से आइडिया होता जाएगा जो भी मैं प्रेस कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ लगती कि मैंने क्या प्रेस करके शॉर्टकट की यूज़ की है या क्या प्रेस की है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको वैसे कोशिश करूँगा कि साथ साथ मैंशन करता जाऊँ जब भी मैं कोई शॉर्टकट की यूज़ करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर टॉप पे जो आपको ब्लैक कलर का एरो बना नज़र आ रहा है, ये है हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल है और इसकी शॉर्टकट की है वी। और वैसे भी जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे, कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया होगा, तो आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की वी है। अब मैंने जैसे ही वी प्रेस किया है, एक तो आप यहाँ पे इंडिकेशन भी आ गई कि मैंने वी प्रेस किया है, और सेकेंड यहाँ पर देखें कि आपका सिलेक्शन टूल हाईलाइट हो गया, कि इसका मतलब ये है कि अब मैंने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन टूल के नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये सिलेक्शन टूल सिलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा होगा। अब किस चीज़ की सिलेक्शन करता है, तो बेसिक तो आज हमारा जो टॉपिक था वो सिलेक्शन टूल का था, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये कुछ शेप्स भी पढ़ लेंगे। तो ये अब इलस्ट्रेटर में कुछ पहले से शेप्स इलस्ट्रेटर ने बनाकर दी हुई हैं, जैसे कि अगर आपने विंडोज़ का जो पेंट होता था, पेंट यूज़ किया होगा, उसमें भी हमारे पास कुछ शेप्स होती थी, रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर वगैरह। इसी तरह इलस्ट्रेटर में भी हमें कुछ शेप्स बनाकर दी हुई, यहाँ पर ही शेप्स हैं और इन शेप की शॉर्टकट की होती है एम। आप जैसे ही अच्छा, आपको शॉर्टकट कीज का इस तरह भी पता चल सकता है कि जब आप अपने माउस कर्सर को किसी टूल के ऊपर होवर करेंगे, थोड़ी देर आप उस पर रखते हैं, तो उस टूल का नाम भी साथ में मेंशन हो जाता है और साथ में ब्रैकेट के अंदर आपको उसकी शॉर्टकट की भी लिखी होती है। जैसे कि मैं सिलेक्शन टूल पर ला रहा हूँ, इधर इसका नाम भी आ गया और साथ में ब्रैकेट्स के अंदर वी लिखा हुआ, ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं शेप्स पर लेकर आ रहा हूँ, तो इसके साथ एक एम लिखा हुआ, यानी एम अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे शेप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखें, अब ये सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ, मैं थोड़ा सा अगर कोशिश करता हूँ जूम हो जाए, अपनी मैग्नीफायर ऑन कर रहा हूँ, मैंने मैग्नीफायर ऑन किया। तो यहाँ पर देखिए, जिन टूल्स के साथ ये छोटा सा एरो बना हुआ है, छोटा सा कॉर्नर पे एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस टूल के साथ इसके अंदर मजीद और भी टूल्स मौजूद हैं। अब आप वो टूल्स को कैसे ओपन करेंगे, उन टूल्स को ओपन करने के लिए आपने अगर आप सिंपल क्लिक कर देते हैं किसी टूल पर, तो वो वाला टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उस टूल को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, तो पूरा उसका मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये अब इसके अंदर जितने टूल्स थे यहाँ पर ओपन हो गए, तो इनमें से आपने जो सिलेक्ट करने हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल की शॉर्टकट की एम है, एलिप्स की एल है, यानी इसमें एलिप्स क्या होता है, सर्कल को एलिप्स भी कहते हैं, तो इधर एलिप्स टूल है, ठीक है। अब मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ करूँ, मैंने रेक्टेंगल से कि अच्छा, अगर आप इस पूरे टूल बॉक्स को बाहर रखना चाह रहे हैं, तो आप इसको पकड़ के जो छोटा सा एरो है इस पर क्लिक कर दें, तो ये पूरा टूल बॉक्स आपके यहाँ पर नजर आने लगेगा, तो आप इसको इजीली यहाँ से टूल्स को यूज कर सकते। अब मैं एक रेक्टेंगल है, ये राउंडेड रेक्टेंगल है, ये एलिप्स है, ये पॉलीगॉन और स्टार और ये फ्लेयर, ठीक है। रेक्टेंगल ही मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं सिलेक्शन टूल को समझा सकूँ। अच्छा, पहले तो कुछ शेप्स को ड्रॉ करने का तरीका देखें।
इसके दो तरीके हैं शेप को ड्रॉ करने के। एक तो ये है आपने अपने शेप को सिलेक्ट किया जो आप बनाना चाह रहे हैं और माउस को क्लिक करके रखने यानी अपना जो आपका लेफ्ट क्लिक है उसको होल्ड रखना है और अपने माउस को ड्रैग करना शुरू कर देना है। मैंने लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया हुआ है और अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये शेप मेरी ड्रॉ हो रही है और जब तक मैं अपना माउस का क्लिक रिलीज नहीं करूंगा तब तक शेप ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है, तो अभी मैंने ये ड्रॉ करना शुरू किया है तो ये अभी रेक्टेंगल बन रहा है और साथ में अगर आप देखें माउस के साथ में W लिखा हुआ आ रहा है और कुछ वैल्यू लिखी हुई है और साथ में H लिखा हुआ है और उसके साथ में कुछ वैल्यूज लिखी हुई पिक्सल्स में। ये क्या वैल्यूज हैं? W फॉर वेट एंड H फॉर हाइट। ये जो अभी मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ इसकी वेट है 734 पिक्सल्स और इसकी हाइट है 403 पिक्सल्स। ठीक है, तो अभी ये मैंने ड्रॉ किया है रेक्टेंगल इस तरह से ड्रैग कर। जैसे मैंने क्लिक रिलीज किया यहाँ पर मेरी एक शेप बन गई है। अब इस रेक्टेंगल की आपने बाद में प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करनी सब हम लोग देखते हैं। इधर से मैं अपने पैनल्स को ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, फिलहाल मैं अभी शेप्स की प्रॉपर्टीज में थोड़ा बाद में डिटेल में जाऊंगा, अभी मैं इनको खाली आपको बनाना बता देता हूँ और बाद में चेंज कैसे करेंगे। अच्छा, आप लोगों को रेक्टेंगल में और स्क्वायर में डिफरेंस पता होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी हाइट और वेट इक्वल नहीं होती और जिस शेप की हाइट और वेट इक्वल हो वो स्क्वायर होता है। तो आप अगर आपने स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया आपने ड्रॉ करने के लिए, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो आप इस तरह से ड्रॉ होने लग जाएगा। इसका सेकेंड मेथड ये है कि आपने सिंपल अपने आर्ट बोर्ड पर आके आपने अपना जो भी शेप सेलेक्ट की हुई है आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पर आप मैन्युअली वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 100 बाय 100 पिक्सल्स का मैं एक स्क्वायर बना लूँ। 100 लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर 100 लिखा है तो अब यानी इसकी हाइट और वेट दोनों इक्वल है तो ये स्क्वायर बनेगा। और मैं ओके करता हूँ जैसे ही तो यहाँ पर एक 100 बाय 100 पिक्सल्स का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अच्छा ये अब आपका आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड को अगर आपने जूम करना है तो मैं साथ सिलेक्शन टूल के साथ और भी छोटे छोटे टूल्स बताता चलूँ। अगर आपने जूम करना है तो जूम करने के लिए दो चीज़ें हैं हमारे पास। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जूम टूल सबसे एंड पे दिया हुआ है और इसकी शॉर्टकट की है जी, तो इसको सिलेक्ट करके अगर आप सिंपल क्लिक करना शुरू करते हैं तो ये जूम करना शुरू कर देते हैं और ये अभी जूम इन हो रहा है। और अगर आपने जूम आउट करना है तो ऑल्ट प्रेस करते हैं। जैसे आप ऑल्ट को मैंने होल्ड किया हुआ है प्रेस करके रखा हुआ है तो आप देखें मेरे उस जूम का जो मैग्नीफायर उसमें माइनस का साइन बना नजर आ, तो इसका मतलब अब ये जूम आउट कर रहा है। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये जूम आउट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये एक जूम का तरीका है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेथड यूज होता है और मैं भी करता हूँ और आप लोगों को भी मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग ये यूज करें क्योंकि इससे आपका वर्क बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अगर आपने अभी जूम करना है आप सिलेक्शन टूल से बाद दोबारा जूम पर टूल को सिलेक्ट करें तो इससे आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट हो सके। तो इसकी मैं आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, वो ये है कि आप ऑल्ट प्रेस करके रखें और अपने माउस का जो स्क्रॉल व्हील है अगर आप आगे की तरफ घुमाते हैं तो ये जूम इन होगा, ये आप यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। और अगर मैं पीछे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रॉल व्हील को तो ये जूम आउट होगा। तो ये सबसे ईजी मेथड है। अभी यहाँ पर देखिए कोई मैंने जूम टूल चेंज नहीं किया, सिलेक्शन टूल लिया हुआ है और मैं ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील को घुमा रहा हूँ तो जूम इन और जूम आउट होगा। तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, ये भी जूम करो। और अगर आपने अपने आर्ट बोर्ड को मूव करना है यानी पेन मूव नहीं होता, ये पेन होता है कि स्क्रीन पे आगे पीछे करने की अपनी पोजीशन एक्चुअल में चेंज नहीं कर रहा होगा, मैं इसको पेन कर रहा हूँ राइट से लेफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पर ये हैंड टूल दिया हुआ। हैंड टूल से आप क्या कर सकते हैं, हैंड टूल सेलेक्ट किया, एच इसकी शॉर्टकट की है, इससे आप पकड़ के अपने आर्ट बोर्ड को राइट या लेफ्ट मूव कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे विजिबिलिटी के लिए। अगर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इधर होकर देख लूँ या इधर देख लूँ तो आप हैंड टूल से यूज कर सकते हैं। H इसकी शॉर्टकट की है लेकिन ये टूल भी बहुत कम यूज होता है। क्यों, इसकी भी मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूँ और क्या है वो। H तो इसकी शॉर्टकट की है लेकिन इसका इजी मेथड ये है कि अगर आप अपनी स्पेस बार को प्रेस करके रखते हैं और देखें जैसे मैंने स्पेस बार प्रेस की है तो यहाँ पर हाथ बना नजर आ रहा है आपको आर्ट बोर्ड। तो अब मैं क्लिक करके जहाँ भी करूँ तो ये इजीली मैं अपने आर्ट बोर्ड को पैन कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखें सिलेक्शन टूल ही मेरा सिलेक्ट है लेकिन फिर भी मैं इसको इजीली पेन कर सकता हूँ।
तो ये दो तीन शॉर्टकट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहे होते हैं आपके आर्ट वर्क जब आप कोई बना रहे होते हैं, कोई डिजाइन कर रहे होते हैं, जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच रहा होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने साथ आपको बता दी हैं। अच्छा, शेप्स बनाने के भी दो तरीके बता दिए, इनको मैं अभी फिलहाल सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट हो गई है। दो तरीके बताए हैं, रेक्टेंगल लिया इस तरह से, राइट क्लिक करके ड्रैग किया, तो ये शेप ड्रॉ हो गई है। और सेकेंड मेथड ये था कि इधर मैं क्लिक करता हूँ तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है आप पुट करके अपना ड्रॉ कर सकते। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी हाइट और वेट इक्वल नहीं होती है, और स्क्वायर जो होता है उसकी हाइट और वेट इक्वल होती है। तो अगर आपने ड्रैग करके कोई स्क्वायर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, इसका मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। जब आप स्क्वायर ड्रॉ कर रहे होंगे तो साथ में शिफ्ट प्रेस कर लें तो ये इक्वली जो है वो स्केयर बना रहा होगा। मैं माउस को अगर ऊपर भी लेकर जा रहा हूँ, नीचे भी लेकर जा रहा हूँ, तो देखें वो स्केयर ही बन रहा है। अगर मैं जैसे ही मैं शिफ्ट को रिलीज करता हूँ तो देखें अब ये इस तरह से बन रहे, और जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस कर ले तो ये खुद ब खुद उसकी हाइट और वेट को इक्वल कर दे, तो इस तरह स्केयर बन रहा होता है। बाकी मजीद इसकी डिटेल्स हम लोग अपने आगे शेप्स को प्रॉपर मैं एक लेक्चर रखूंगा जिसमें सारी शेप्स को पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे। अभी अब वापस आते हैं हम लोग सिलेक्शन टूल। अच्छा, अब मैंने एक शेप बना ली है। अब सिलेक्शन टूल किस लिए यूज होता है? सबसे पहले तो सिलेक्शन टूल किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब या तो आप इसके दरमियान में क्लिक कर लें, या यूं करके इस पर एक बाउंड्री बनाकर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल शेप्स हैं तो दो तीन चीजों को इस तरह से बाउंड्री बनाकर आप सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो आपको इधर एक लाइट ब्लू कलर की बाउंड्री बनी नजर आ जाएगी कि अब सेलेक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद अब इसको आप पकड़ कर जहां मर्जी मूव भी कर सकते हैं, और मूव के साथ साथ एक दो काम और करता है कि अगर मैं इसके कॉर्नर पर, ये आपको बाउंडिंग बॉक्स के एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये छह एंकर पॉइंट्स मुझे नजर आए, अगर मैं इधर कॉर्नर पर लेकर आता हूँ तो आपने देखा मेरा कर्सर एक कर्व कर्सर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब अब ये रोटेशन मोड में चला गया, तो अब मैं इस अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकता हूँ। तो अब ये देखें रोटेट कर सकता हूँ मैं। और थर्ड जो काम मैं इसके साथ कर सकता हूँ वो ये है कि मैंने अगर इसके बिल्कुल एंकर पॉइंट के ऊपर अपने माउस कर्सर को लेकर आता हूँ तो अब देखें मेरा कर्सर फिर चेंज हो गया। अगर मैं थोड़ा सा फासले पर रखता हूँ तो ये कर्व कर्सर बना हुआ, यानी ये रोटेट कर रहा है, और अगर मैं बिल्कुल ऊपर लेकर आता हूँ तो अब देखें तो दोनों तरफ यानी उसके हेड पर भी टेल पर भी एक एरो बना नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अब मैं इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें फ्रीली मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ, जहां जितना भी मुझे साइज चाहिए मैं इसको अब रीसाइज करके दोबारा छोड़ूंगा तो बन जाए। ठीक है, अच्छा एक और चीज इसमें रिसाइज करते वक्त, अगर आप रिसाइज करते वक्त शिफ्ट प्रेस कर लें, यानी अभी ये स्क्वेयर बना हुआ है तो आप चाह रहे हैं ये बड़ा होकर भी स्क्वेयर ही रहे, अगर मैं वैसे ही इसको रिसाइज करता हूँ तो हो सकता है मैं कहीं पर गलती कर दूँ, इसकी हाइट और वेट खराब हो जाए। तो अगर आपने इसकी प्रपोर्शन यानी हाइट और वेट की प्रपोर्शन सेम रखनी है जिसमें ऑलरेडी है, तो आप इसको रिसाइज करते वक्त भी शिफ्ट अगर प्रेस कर लें तो मैं जहां मर्जी माउस कर्सर लेकर जाऊं ये उसी तरह अपनी प्रपोर्शंस को सेम रखते हुए बड़ा या छोटा हो रहा होगा। ठीक है, तो अब बड़ा हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, अभी अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो फ्रीली किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकता हूँ, और अगर मैं इसी रोटेशन के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर लेता हूँ तो अब ये सिर्फ 45 के एंगल का इंक्रीमेंट कर रहा होगा, यानी ये 315 ये 90 और 45 के एंगल्स पर मूव कर रहा होगा। ठीक है, यानी मैं दरमियान में किसी एंगल पर नहीं रख सकता इसको, या तो इस तरह से रख सकता हूँ या इस तरह बिल्कुल सीधा रख सकता हूँ, फ्रीली कोई इसमें एंगल चूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने शिफ्ट को प्रेस किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी अब तक समझ आ गई होगी कि सिलेक्शन टूल किसी चीज को सिलेक्ट करके मूव करने के लिए यूज होता है, उसको रिसाइज करने के लिए यूज होता है, और रोटेट करने के लिए यूज होता है। और सिलेक्शन टूल से एक और चीज भी, मूव करते वक्त भी अगर आप, अभी देखिए मैं इसको फ्रीली जहां मर्जी मूव कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको मूव करते वक्त यानी मैं इसको किस एक्सिस पर मूव करना चाह रहा हूँ, अभी देखिए गलती की गुंजाइश है कि मैं इसको शायद ऊपर या नीचे कहीं रखते वक्त कहीं गलती कर दूँ, अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो देखें बिल्कुल उसी की सीध में ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ, और अगर मैं इसी तरह
इसको नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ तो बिल्कुल उसी की सीध में नीचे की तरफ आ रहा हूँ। और सेम इसी तरह अगर मैं किसको किसी एंगल पर मूव करना चाह रहा हूँ तो देखें अभी उसी एंगल पर सीधा जा रहा है, ना इधर जा रहा है, अच्छा इधर भी अगर लेकर आ रहा हूँ तो इसकी सीध में आ गया, इधर लेकर आए तो इस एंगल पर आ गया, और अगर अपने माउस को इधर लेकर आता हूँ तो इसी एंगल पर स्टिक हुआ। तो ये शिफ्ट के साथ आप ये काम कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट एक और लास्ट प्रोसेस का मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी है तो आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी कॉपी ले सकते हैं, जो कि हमारी हर जगह कमांड यूज होती है विंडोज़ में, या जहाँ भी आपने कोई फोल्डर कॉपी करने है, कुछ भी कॉपी करने है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट की होती है। तो उस तरह भी आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी किया है मैंने, कंट्रोल वी किया, ये कॉपी हो गई। और सेकेंड मेथड ये है कि आप जब इसको मूव कर रहे हो, जब आप रखने लगे, रखने से पहले ऑल्ट प्रेस कर लें और फिर अपने माउस को अगर आप रिलीज करते हैं तो आपकी एक कॉपी जनरेट करके दे देगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोबारा आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव किया, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी कॉपी रख लूँ, तो यहाँ पर रखने से पहले यानी अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को रिलीज करने से पहले ऑल्ट को प्रेस करके रखता हूँ, यानी ऑल्ट भी मैंने यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, प्रेस करके मैं छोड़ नहीं रहा, मैंने ऑल्ट को होल्ड किया हुआ, और फिर पहले माउस का क्लिक रिलीज कर रहा हूँ और देन ऑल्ट को रिलीज कर रहा हूँ कि एक कॉपी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो अब मैं इधर एक कॉपी लेना चाह रहा हूँ, इधर लेना चाह रहा हूँ, जितनी मर्जी मैं कॉपीज ले सकता हूँ। और अगर आपने सबको मूव करना एक साथ यूं करके सिलेक्शन बना लें कि पूरी सब मूव हो रहे हैं, या अगर कुछ सिलेक्ट करने इस पर क्लिक किया और मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला मूव हो, मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है और इस पर क्लिक किया तो मेरी दो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन हो गई, अब खाली ये दो ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं। ठीक है, सबको करने हैं तो इस तरह से कर लें, या कंट्रोल ए करेंगे तो सारों की सिलेक्शन हो जाएगी, या तो कुछ किसी की करनी है तो एक को यूं कर लें, इसको यूं करके क्लिक करके, या अगर मल्टीपल्स करने हैं एक एक कर लिया, एक एक कर लिया शिफ्ट के साथ, एक में ये कर लेता हूँ, ये तीन सिलेक्ट हो गए, इन तीनों को इजीली मूव कर सकते। ठीक है, तो आज का सिलेक्शन टूल सिर्फ इतना ही था, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई या अगर कुछ और सजेशंस हैं आपके माइंड में कि या मैं ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ या कुछ इस तरह की, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँ को उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, या अगर कोई आप लोगों की क्यूरी है या कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो लाजमी आप लोग कमेंट्स वगैरह में अपने बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।